स्वागत है दोस्तों क्रिकप्लेक्स मैच प्रीव्यू में। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा मैच है और इसमें से तय होगी कौन सी पहली फाइनलिस्ट टीम होगी। जी हाँ, शुरुआत करते हैं मैदान की। तो ये ब्रायन लारा के नाम से क्रिकेट स्टेडियम त्रिनिदाद में, और इस स्टेडियम में अब तक T20 वर्ल्ड कप के दो मुकाबले हुए हैं, दोनों ही लो स्कोरिंग मैच रहे हैं। और ऐसे में ये देखना होगा कि सेमीफाइनल मैच क्या बल्लेबाजों को रास आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां की पिच थोड़ी सी स्लो मानी जाती है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि स्पिन गेंदबाजों को भी ये मदद कर सकती है। मौसम इस दौरान कैसा रहेगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि दोनों सेमीफाइनल मैच में सभी ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि बारिश का साया है। लेकिन जो पहला सेमीफाइनल मैच है, मौसम की मार से बचने के लिए वहां पर इस बार ICC ने इस सेमीफाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा है, तो ये एक अच्छी बात है कि मैच होने की पूरी संभावना है। आइए बात करते हैं ये जो सफर रहा है अफगानिस्तान का, ये कैसा रहा है और साउथ अफ्रीका का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा साउथ अफ्रीका की टीम अब तक इस टूर्नामेंट की अपराजित टीम है, यानी अब तक उन्होंने कोई भी मैच हारा नहीं है और उनके मैच भी पूरे हुए हैं। इनफैक्ट हारा तो भारत भी नहीं है, लेकिन उनके एक मैच बारिश से रद्द हुआ था। दोनों टीमों की हम बैटल की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने कांटे के मुकाबले जीतकर, अफगानिस्तान ने जो आखिरी का मुकाबला जीता था वो बांग्लादेश से, और वो एक प्रकार से क्वार्टर फाइनल मैच हो गया था क्योंकि वहां पे जीत ही जरूरी थी, रन रेट कोई मसला नहीं था। और आइए हम बात करते हैं की फैक्टर की। जो की फैक्टर होगा वो प्लेयर्स के रूप में मैं बताना चाहूंगा, वो इस प्रकार हो सकते हैं। बैटिंग में गुरबाज फिर से क्या शुरुआत अच्छी करेंगे ये सोचने वाली बात होगी। इब्राहिम जादरान अच्छा काम कर रहे हैं बल्लेबाजी में, ये एक अच्छी बात है, और अजमतुल्ला भी कई मौके पर अच्छी पारी खेल जाते हैं। वहीं फजल हक गेंदबाजी में, नवीन उल हक, ये दोनों ने तो कमाल कर दिया है। राशिद खान जब कप्तान आके बॉलिंग करते हैं तो कमाल की बॉलिंग करते हैं, और पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 4 विकेट लिया था, तो ये बड़ी कमाल की उनकी बॉलिंग विश्लेषण रही है। नूर भी सफल हो सकते हैं। वही साउथ अफ्रीकन की टीम में बात करें तो डिकॉक फॉर्म में आ चुके हैं, एरन बार्क्रम ने भी कुछ अच्छी पारी खेली है, क्रिस्टन स्टब्स भी कई बार स्तब्ध कर सकते हैं, और इसके अलावा हेनरिक क्लासिन तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं और एक्सपीरियंस मिलर का साथ है उनके पास। बॉलिंग में बात करें तो एनरिक नोकिया, ये लगातार देखा है हमने कई मौके पे ये सफल रहे और बहुत अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने। साथ ही साथ रबाड़ा ने इस टूर्नामेंट में बहुत अहम मुकाबलों में विकेट निकाल के दिया है, मैं कहूंगा कि रबाड़ा का साथ अच्छा मिला है साउथ अफ्रीकन टीम को। इसके अलावा मार्को यानसन, ये तेज गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म सीमर बॉलर हैं, इनका भी मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा जा रहा है वर्ल्ड कप। दो ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं टीम के पास, केशव महाराज और तबरेज शमसी, दोनों ने बड़ा अच्छा ही काम किया है और मुझे तो लगता है दोनों को मौका मिल सकता है, ये की प्लेयर हो सकते हैं। हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में दो मुकाबले हुए हैं अब तक और दोनों मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान क्या इस मैच में पर साउथ अफ्रीका को हराएगी। ये बहुत ही बड़ा मैच है T20 वर्ल्ड कप का। मैच प्रीव्यू में बस इतना ही, धन्यवाद।